नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का दोस्त आसू यूट्यूब चैनल आसू मिश्रा टेक्निकल में आप सभी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से कूलर की पानी वाली मोटर रिपेयर करना सिखाऊंगा। जो हमारे कूलर पर लगी हुई होती है और वो खराब हो जाती है, तो हम लोग उसे निकाल कर फेंक देते हैं या कबाड़ में भेज देते हैं और नई मोटर परचेस कर लेते हैं। लेकिन आज मैं इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से और अपने घर में ही रिपेयर करना सिखाऊंगा, जिससे आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अपने घर में ही आप इसको रिपेयर करके दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मोटर को चेक करेंगे। तो 220 वोल्ट से मोटर ऑपरेट होती है, तो उसको हम चेक करेंगे। और दोस्तों ये मोटर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं आप वीडियो पे, ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है ये मोटर और वर्क नहीं कर रहे। तो आज हम लोग इसको रिपेयर करना सीखेंगे। वीडियो काफ़ी यूजफुल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे सबकी हेल्प हो पाए और वो अपने घर में इसको रिपेयर करके अपने पैसे बचा सकें। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय SRRobotics.in। दोस्तों ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, रोबोटिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट, स्कूल साइंस प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रोजेक्ट, काफ़ी सारे प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इनकी वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से प्रोजेक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑर्डर करने के 3 से 4 दिन के बाद ये प्रोजेक्ट आपके पास डिलीवर हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पानी मोटर का जो सामने का हिस्सा होता है, जिसमें जहाँ से पानी अंदर जाता है, पानी इनलेट होता है, वहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, उसमें जाली टाइप में बनी होती है, जिसको हम अपने हाथ से ही ओपन कर लेते हैं। काफ़ी आसान तरीके से ओपन हो जाता है और उसमें काफ़ी सारा कचरा जम गया, आप लोग देख सकते हैं पानी के अंदर डूबे रहने के कारण। और उसके बाद यहाँ पे एक गोल गोल जाली टाइप में आपको दिखती है, जिसके अंदर पंखी लगी हुई होती है। तो इसमें एक लॉक लगा होता है, जिसको हम घुमाकर इसको ओपन कर लेंगे और इसके अंदर के जो पार्ट्स होंगे उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से तो पूरी मोटर ये ओपन हो जाती है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसके अंदर एक लोहे की शॉफ्ट भी लगी होती है, जिसके ऊपर एक पंखी फंसी हुई होती है, जिसको मैग्नेटिक रॉड भी हम बोलते हैं। जब इसमें हम मैग्नेटिक रॉड में पावर देते हैं तो ये घूमती है और पानी जो हमारा होता है वो ऊपर आता है। तो देख सकते हैं इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो जो इसकी मैग्नेटिक रॉड होती है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारा कचरा जम जाता है, काफ़ी सारा कचरा जम जाता है, जो कि एक पानी की लेयर होती है, आप लोग जानते होंगे, सफ़ेद सफ़ेद टाइप में वो जम जाता है और इस कारण ये मोटर हमारी जाम हो जाती है। तो इस मोटर के अंदर और इस मैग्नेटिक रॉड में जब जम जाता है कचरा, तो ये मोटर हमारी जाम हो जाती है और वर्क नहीं कर पाती है। हम लोग इसे ख़राब समझ लेते हैं और फेंक देते हैं या दोबारा यूज़ में नहीं लेते हैं, कबाड़ में भेज देते हैं और नई मोटर परचेस कर लेते हैं। तो आज इस मोटर को हम बिल्कुल आसान तरीके से रिपेयर करेंगे, अपने घर में ही आप इसको रिपेयर कर पाएंगे, कहीं आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक सैंड पेपर लेना है। दोस्तों नॉर्मल सैंड पेपर आपको 10 रुपये या 5 रुपये मार्केट में मिल जाएगा। उसको थोड़ा सा फोल्ड करके और इस जो मैग्नेटिक रॉड है इसके ऊपर हमको लगाकर और इस मैग्नेटिक रॉड के ऊपर जो कचरा जम जाता है, पानी की लेयर जो होती है, उसको साफ़ कर लेनी है। तो दोस्तों ये जो मेरी मोटर है जो ख़राब हो गई है, बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 महीने की मोटर हुई होगी, लेकिन ये ख़राब हो गई है। और जो बहुत पुरानी मोटर होती है उसमें काफ़ी सारे लेयर जम जाते हैं, तो आप लोग उसको निकाल कर, जब वो ख़राब हो जाए तो निकाल कर साफ़ करके और रिपेयर कर सकते हैं। तो एक दोस्तों इस पूरा कचरा इसको हमने साफ़ कर लिया सैंड पेपर से, 1 से 1.5 मिनट में आपका साफ़ हो जाता है। मैंने वीडियो आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखाई, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप एकदम आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं और एक कॉटन या कपड़े से आप इसको साफ़ कर लेते हैं, एकदम अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। देख सकते हैं काफ़ी सारा इसमें कचरा जमा हुआ था, तो इसको हम साफ़ कर लेंगे और एक साइड पर रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी जो मैग्नेटिक रॉड होती है पूरी तरीके से साफ़ हो जाती है और फिर इसको हम यूज़ में दोबारा ले सकते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं और इसके अंदर जो जहाँ पे मैग्नेटिक रॉड लगी हुई होती है, यहाँ पे भी काफ़ी सारा कचरा जमा होता है, मेन जो कचरा होता है यहाँ पे जम जाता है। तो थोड़ा हम वही सैंड पेपर को थोड़ा सा राउंड शेप में फोल्ड कर लेंगे और इसके अंदर डालकर इसको घुमाकर गोल गोल, और यहाँ से हम इसको भी कचरा, इस जो इसके अंदर कचरा लगा हुआ है उसको भी साफ़ करके और अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, जिससे पूरा कचरा बाहर आ जाए। दोस्तों नॉर्मली कचरा आप जानते होंगे पानी में डूबे रहने के कारण वो जम जाता है, जिसमें पानी की एक लेयर टाइप में होती है, वही इसके अंदर भी जम जाती है और ये दोनों जाम हो जाते हैं। जैसे जब इसमें पावर देते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर जाम रहते हैं और ये वर्क नहीं कर पाती है मोटर। हम लोग इसे ख़राब समझ लेते हैं और फेंक देते हैं। अभी नॉर्मल सा प्रोसीजर है दोस्तों, आप लोग काफ़ी आसान तरीके से उसको साफ़ कर लेंगे और फिर इसके अंदर एक कपड़े की सहायता से हम कपड़े को मारकर पहने या किसी भी एक लकड़ी में जो पतली हो उसके अंदर डालकर साफ़ कर लेंगे, जिससे उसके अंदर का भी पूरा कचरा साफ़ हो जाए। दोस्तों वीडियो काफ़ी यूजफुल है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सबकी हेल्प हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, लाइक आप लोग करते हैं तो मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन होता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई आइडिया देते हैं तो मैं उस पर रिसर्च करके वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके आइडिया के ऊपर। तो इसके आसपास भी जो कचरा लगा हुआ है उसको भी हम सैंड पेपर से आसानी से साफ़ कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा कचरा इसमें जम जाता है तो हमारी मोटर काफ़ी पुरानी पुरानी लगने लगती है, तो इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नॉर्मल जो हमारे घर में यूज़ होता है सरसों का तेल, आप लोग जानते होंगे,
हेयर ऑयल जो होता है और नॉर्मल सभी घर में यूज़ होता है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम इसको डालेंगे जिससे हमारी जो मोटर होती है वो पूरी फ्री हो जाए, और जब इसमें पानी हम जब पानी के अंदर जाए तो इसमें जल्दी वो जो कचरा जमता है वो फिर से ना जमे, मतलब जहाँ पे ऑयल वगैरह रहता है तो वो जल्दी नहीं जमेगा और हमारी मोटर अच्छी तरीके से वर्क करती रहेगी लंबे समय तक। तो यहाँ पे मैंने रॉड को भी डालकर गोल गोल घुमा लिया जिससे चारों तरफ ऑयल अच्छे से लग जाए, और जो इसके आसपास ऑयल लगा हुआ है इसको हम कपड़े की सहायता से साफ़ कर लेते हैं एकदम आराम से, जिससे आसपास का जो ऑयल है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल हम हाथ की सहायता से और इस मैग्नेटिक रॉड में भी लगा लेंगे, अच्छे तरीके से लगा लेंगे जिससे इसमें बराबर ऑयल लग जाए, और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। दोस्तों लगभग हमारी मोटर बनकर तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे हम इसको मैं इस रॉड में भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। काफ़ी सिंपल सा तरीका दोस्तों इसको रिपेयर करने का, और हमारे काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं जो हमारे नई मोटर खरीदने में 400-500 रुपये हमने वेस्ट कर देते हैं, तो उसको हम बचा सकते हैं अपने घर में इसको रिपेयर करके यूज़ में फिर से ले सकते हैं। तो हमने उस रॉड को भी यहाँ पर लगा लिया, और इस जो इसका लॉक होता है इसका ढक्कन होता है इसको भी हम इसमें लगा कर और इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी मोटर पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती है और भी काफ़ी पैसे बचाते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं काफ़ी आराम से। दोस्तों नॉर्मल प्लास्टिक को तो थोड़ा सा हल्के से हम इसको साफ़ कर लेते हैं जिससे जो आसपास कचरा लगा हुआ वो भी साफ़ हो जाए, और फिर उसको इसके अंदर सेट कर लेते हैं। दोस्तों चलिए मैं इसको अभी टेस्ट करके भी दिखाता हूँ कि ये मोटर वर्क कर रही है नहीं, जिससे आप लोगों को विश्वास हो रहा है दोस्तों कि बिल्कुल तरीके से मोटर वर्क कर रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है हमारी ये मोटर, और बिल्कुल भी हल्ला नहीं कर रही दोस्तों, काफ़ी शांत तरीके से एकदम नॉइज़ एकदम एक भी नहीं आ रही इसमें। इसके अंदर तो थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की एयर भी फ्लो हो रही है दोस्तों। तो हमारी पूरी तरीके से मोटर ये बन के रिपेयर हो चुकी है काफ़ी अच्छी तरीके से, मैं इसको अभी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस मोटर को हम एक बार पानी में भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये पानी में अच्छी तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं। तो पहले हम इस पाइप को इसमें लगा लेते हैं, और उसके बाद हम इसको इसके अंदर पानी के अंदर डालते हैं, और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ये अच्छी तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी आसान तरीके से हमने इसको रिपेयर किया, और काफ़ी अच्छे तरीके से मोटर हमारी वर्क कर रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से पानी का फोर्स निकल रहा है, जैसे हमारी नई मोटर वर्क करती है उसी तरीके ये मोटर भी हमारी वर्क कर रही है। तो हमारा जो आइडिया था काफ़ी सक्सेसफुल हुआ दोस्तों, इसको हम अपने रिपेयर करके और फिर से हमने इसको यूज़ पर ले लिया है। तो आप लोग भी अपनी मोटर को रिपेयर करके यूज़ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।